तो आपका खाऊ दोस्त पहुंच गया है एक बार फिर अंबाला कैंट और यहाँ के सदर बाजार में। सदर बाजार बहुत फेमस है, यहाँ पर कई खाने पीने की दुकानें हैं। मेरे सामने है जैन सोडा वाटर फैक्ट्री और मैं यहाँ आया हूँ स्पेशली प्रकाश कॉफी हाउस के लिए। प्रकाश कॉफी हाउस बहुत फेमस है अपने सैंडविचेस के लिए और कोल्ड कॉफी के लिए। तो आज हम खाएंगे सैंडविच और साथ में पियेंगे कोल्ड कॉफी और बताएंगे आपको कि कोल्ड कॉफी और सैंडविच में प्रकाश कॉफी हाउस इतना फेमस क्यों है। तो चलें प्रकाश कॉफी हाउस और खाएं सैंडविच और पिए कॉफी। आइए दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आ गया प्रकाश कॉफी हाउस आकर। अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरे कजन से जो मुझे यहाँ पर प्रकाश कॉफी हाउस लेकर आया है। नितेश बाबू आइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कजन नितेश मेरे छोटे भाई के जैसा है और ये भी बहुत खाने पीने का शौकीन है, बहुत ही खाऊ बनता है ये। अलग अलग जगह जब से हम यहाँ पर आए हैं बस बोल रहा है ये खाओ वो खाओ, अरे भैया खिला खिला कर हमारी हालत खराब कर दी है। आज आप मुझे लेकर आए हैं प्रकाश कॉफी हाउस, मुझे ये बताइए कि मुझे प्रकाश कॉफी हाउस क्यों लेकर आए हो। सैंडविच और कॉफी बहुत फेमस है। कितने टाइप के सैंडविच देता है ये? एक ही टाइप के देते हैं, पनीर सैंडविच और कॉफी, एक हॉट कॉफी, कोल्ड सोडा और कोल्ड कॉफी। बस देखो चार आइटम है मेन्यू में और जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि आप मुंबई से यहाँ आए हैं स्पेशली प्रकाश कॉफी हाउस के सैंडविच खाने और कॉफी पीने। कॉफी तो हमने ले ली है, अब इसको पीकर दिखाएंगे कि नितेश बाबू सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। अरे वाह नितेश, ये तो इसको घर जैसी कॉफी है जैसे हमारी मम्मी दीदी बनाती है ना अपने ढाबे पे। तो दोस्तों प्रकाश कॉफी हाउस के मजे लेकर हम निकल पड़े अंबाला की कुछ और छानबीन करने। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो जगहें हमें सजेस्ट की हैं वो है हमारे सब्सक्राइबर निशा चौहान और हरमान। तो थैंक यू निशा, थैंक यू हरमान। लता जी बड़ी खुश हैं अंबाला की सैर करके, भूख अभी भी लगी हुई है क्योंकि नाश्ता थोड़ा लाइट था, लेकिन भूख को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। पहले पीते हैं थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा गन्ने का रस। जी हाँ, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है अंबाला में और प्यास बहुत लग रही है। तो रास्ते में हमें दिखी ये गन्ने के रस की रेड़ी, तो गाड़ी वहाँ रुक गई और हमने सोचा क्यों ना मीठा मीठा गन्ने का रस पिया जाए। गन्ने वाले भैया ने बताया कि सर अभी हमारे पास बर्फ़ तो है नहीं, अदरक भी नहीं है। तो हमने कहा गन्ना तो है, तो कहने लगा जी हाँ गन्ना तो है। तो हमने कहा चलिए गन्ने का रस ही पिला दीजिए, अब रुके हैं तो कुछ ना कुछ आपसे पीकर ही जाएंगे। नींबू डाला, पुदीना डाला और बन गया गन्ने का रस ताज़ा ताज़ा। ठंडा ठंडा तो कह नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ नहीं थी, अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन कहा चलो जो मिले वही अच्छा। तो गन्ने का रस का स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं। आहा हा, चुस्कियां ले लेकर पियेंगे मीठा मीठा गन्ने का रस। चीयर्स नितेश बाबू। सच बताएं चीयर्स तो कर रहे हैं, खुशी भी दिख रही है चेहरे पर, लेकिन गन्ने का रस इतना मीठा था, इतना मीठा था, बर्फ नहीं थी डाइल्यूट करने के लिए। पी तो लिया लेकिन बाद में अदरक की कमी की वजह से हाजमे में काफ़ी तकलीफ हुई। तो चलिए चल पड़े अभी हम अपनी दूसरी जगह की तलाश में। ढूंढते ढूंढते हो गई है शाम और अंबाला और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। जगह जगह पर ऐसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें देखकर बस दिल खुश हो जाता है। और हम पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, मोहन मुर्गे वाला। ये भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स ने ही सजेस्ट की थी, तो पहुँच गए मोहन मुर्गे वाला। देखते हैं कि ये मोहन मुर्गे वाला इतना पॉपुलर क्यों है। अब नाम ही मुर्गे वाला है तो मुर्गा तो बहुत होगा। जी हाँ, अफगानी टिक्का, रेशमी टिक्का, चिकन टिक्का
और ये गर्मा गर्म कोयले की सिगड़ी पर बनता हुआ तंदूरी चिकन ऑल टाइम फेवरेट, सबका पसंदीदा तंदूरी चिकन। कोयला भी गर्म, चिकन भी गर्म और हमारी भूख भी जाग गई है बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म। तो अब देख तो बहुत लिया, अब चलते हैं अंदर, कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाए। क्या क्या मिलता है भैया यहाँ पर, ज़रा देख लें इनका मेन्यू कार्ड जो बाहर बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया गया है। मोहन मुर्गे वाला चिकन की कई डिशेज़ हैं, रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और वेजिटेरियन डिशेज़ भी बहुत हैं। स्पेशल चिकन बिरयानी भी है और यहाँ का सबसे पॉपुलर आइटम जो है कीमा हॉट डॉग। देखिए तस्वीरें इतनी खूबसूरत है कि देखते ही मन ललचा जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया की फेवरेट चीज़ तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा। तो अब इन सब चीज़ों को देखकर रहा नहीं जा रहा, हम पहुंच गए मोहन मुर्गे वाला के अंदर और बैठ गए और बोला भैया आपकी स्पेशलिटी क्या है, कोई भी दो आइटम हमारे लिए ले आइए। तो पहला आइटम आ गया मेन्यू कार्ड। जी नहीं, आइटम तो अभी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप एक झलक हमारे मेन्यू कार्ड पर मार दीजिए और ये आ गई हमारी डिशेस। तो उन्होंने सजेस्ट किया आप खाइए चिकन कलमी कबाब और इसे तो मत छोड़िए आप कीमा हॉट डॉग। क्रंची क्रंची हॉट डॉग के अंदर फर्स्ट क्लास कीमा। तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं, सबसे पहले टेस्ट करेंगे कीमा हॉट डॉग। आहा, चटनी भी है, प्याज भी है और साथ में ये हॉट डॉग। चलिए खाएं और मजे लें। आहा, जितना सुना था ना, सच कह रहे हैं खाओ दोस्तों, उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला ये कीमा हॉट डॉग। हमने आज से पहले इतना स्वादिष्ट ये कीमा हॉट डॉग तो नहीं खाया था, मुंबई में मिलता है उसे कहते हैं कीमा पाव। तो ये है पंजाबी वर्जन कीमा हॉट डॉग और ये कलमी कबाब। चिकन भी एकदम सॉफ्ट, मैरिनेशन भी बहुत अच्छी। तो हमने सोचा भी इन सब चीज़ों के पीछे जो शख्स हैं उनसे थोड़ी बातचीत की जाए, पता लगाया जाए मोहन मुर्गे का राज। सोनी जी, ये आपकी दुकान इतनी फेमस है मोहन मुर्गे वाला, जब भी मैं अंबाला टाइप करता हूँ किसी भी जगह पर जाकर तो मोहन मुर्गे वाले का नाम सबसे पहले आता है। तो ये दुकान आप कब से चल रही है आपकी? छब्बीस साल हो गए यहाँ पे चिकन सेल करते हैं। 24 years, और इसी नाम से चल रही और इसी जगह पर? इसी नाम पे चल और इसी जगह पे चल। मैंने अभी आपके दो आइटम ट्राई किए हैं यहाँ पर, एक तो वो बड़ा कमाल की चीज थी कीमा हॉट डॉग, वो मैंने कहीं वैसा कीमा हॉट डॉग खाया नहीं है, बहुत ही कमाल का था। और मैंने खाया कलमी कबाब, वो भी बहुत अच्छा था। और तीन चार डिशेज हमने पैक कराई क्योंकि हमारा मन नहीं भरा, तो साथ लेकर जाके खाइए। ये जो दुकान है मोहन मुर्गे वाला, अब ये मोहन जी कौन थे और उनकी कहानी क्या? सर ऐसा है, मेरे दादा जी का नाम था मोहन, लेकिन जो आगे मेरे पापा ने काम बनाया उसके बाद हम आगे को काम बढ़ा दिए। अगर हम क्वालिटी ऐसे चलती रही तो हमारे काम पर बनेगा। सर यहाँ पे हमारे कैंड में दो मुर्गी है नाम, लेकिन हमें 24 साल हो गए यहाँ पे काम। मतलब आपका नाम एकदम किसी और दिन भी बोला है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। अच्छा अच्छा, लेकिन जो अंदर चीज है जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो हर बंदा नहीं दे सकता। अगर कोई चंडीगढ़ में बुलाया गया लुधियाना जिला है उससे हमारे दुकान की मशहूरी होती है। और हमारे जो दिल्ली लुधियाना पटियाला डेरा मसीद चंडीगढ़ से चलते हैं डाक चलिए यहाँ पे खाते खाने। मतलब आपकी वैसे एक ही ब्रांच है बस, एक ही ओरिजिनल और कहीं आपकी कोई ब्रांच है नहीं? सर पहले हमारे पास सड़क के ऊपर शॉप होती थी, उधर से टूट गया सरकार की तरफ से हमारे को फ्री लेके गया। हमने खुद बनाई है शॉप पे यहाँ पे, बाकी काम बढ़ाना हमारे हाथ में, क्वालिटी देना हमारे, चाहे आप 50 खाने। इतनी अच्छी बात कही हमें कि अगर क्वालिटी अच्छी हो, खाना अच्छा हो, फ्रेश हो, तो लोग कहीं से भी यहीं पर आएंगे। और दोस्तों मोहन मुर्गे वाले की कोई और ब्रांच नहीं है, यही बस एक ब्रांच है जहाँ पर आज हम बॉनी जी के साथ खड़े हैं। तो अगेन व्हेनेवर यू कम टू अंबाला प्लीज कम टू मोहन मुर्गे वाला एंड कम टू दिस मोहन मुर्गे वाला, दिस इज द ओरिजिनल एंड दिस इज द बेस्ट। तो दोस्तों ये थी अंबाला की कुछ पॉपुलर जगहें जो हमने आपको दिखाई, अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी जगहों पर लेकर जाएंगे। तब तक आप भी बस खाइए पीजिए ऐश कीजिए, धन्यवाद।